हे फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट वन में हमने बात की थी 2023 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की पांच अपकमिंग फिल्म्स जैसे पठान, सलार और डंकी इत्यादि, उनकी स्टोरी लाइन के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग टू दिस वीडियो फ्रेंड्स, बॉलीवुड स्टोरी टेलिंग में तो माहिर है, पर अब हिट फिल्मों का सीक्वल बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो आइए आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की पांच अपकमिंग बिग सीक्वल फिल्म्स की जो 2023 को हिलाने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म पुष्पा 2 की। फाइनली अल्लू अर्जुन के फैंस का इंतजार यहाँ खत्म होने वाला है। पुष्पा एक बड़ी हिट मूवी रही है और कोई डाउट नहीं है कि पुष्पा 2 भी इस बार पर्दे पे अपना कमाल दिखाने वाली है। सबको पागलों की तरह इंतजार है इस पिक्चर का। इस मूवी में आपको नजर आएंगे फिर से हमारे चहेते स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और डायनामिक एक्टर फहाद फाजिल एज IPS भंवर सिंह शेखावत, जो अपना बदला लेंगे पुष्पा से। एक बार फिर फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं सुकुमार, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं Y रवि शंकर और नवीन यरनेनी। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, पुष्पा और भंवर सिंह का एक दूसरे से आमना सामना होता है। दोनों की इस घमासान टक्कर में पुष्पा का पलड़ा भारी होता दिखता है। सेकंड पार्ट में दोनों की इस राइवलरी को आगे कंक्लूड किया जाएगा। रिलीज डेट मार्क कर लीजिए 17 दिसंबर 2023। नेक्स्ट आ रही है आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2। जी हाँ, 2019 में आई ड्रीम गर्ल काफी मजेदार हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। फिल्म के डायरेक्टर एक बार है राज शांडिल्या, उन्हीं की फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल है ड्रीम गर्ल 2। उम्मीद है हमें हंसाने में कुछ कम साबित नहीं होगी ये फिल्म। इस बार मूवी में आयुष्मान के ऑपोजिट होंगी आपकी चहेती अनन्या पांडे। भगवान आपकी रक्षा करे, खैर शायद आयुष्मान आपकी रक्षा कर ही लेंगे। फिल्म इस तरह होगी जहां ड्रीम गर्ल करमवीर सिंह, जो अपनी पिछली फिल्म की तरह फोन पर पूजा बनकर मर्दों को रिझाते थे, कमाने और ऐश से जीने की सोचते हैं और नई मुसीबत में फंसने लगते हैं। ड्रीम गर्ल 2 में पुराने एक्टर्स के साथ कुछ नए किरदार भी जुड़ने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट नोट कर लीजिए, जो है 29 जून 2023। अब आती है बारी टाइगर 3 की। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 का ब्लॉकबस्टर हिट होने का पूरा अंदेशा है। YRF यानी यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और पिछली कुछ ठंडी फिल्में जैसे जयेश भाई जोरदार और शमशेरा के बाद वो अपनी पूरी ताकत इस फिल्म को बड़ा और हिट बनाने में लगा रहे हैं। टाइगर 3 में शाहरुख खान कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं, जैसे पठान में सलमान खान कैमियो रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में सलमान खान इंडियन स्पाई अविनाश सिंह राठौर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी स्पाई जोया हुमेमी प्लेड बाय कटरीना कैफ से प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों ही स्टार्स बेहतरीन एक्शन करते दिखेंगे। डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा, जिन्होंने बैंड बाजा बारात और फैन जैसी फिल्में भी बनाई हैं। जेनर वाइज ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। खास ये है कि इमरान हाशमी मेन विलेन के किरदार में होंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। टाइगर 3 ईद के मौके पर रिलीज होगी, यानी 10 नवंबर 2023 को। अब बात करेंगे फिल्म फुकरे 3 की। जी हाँ, ये फिल्म फुकरे और फुकरे रिटर्न से शायद ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है। इसमें हमारे पुराने स्टार कास्ट पुलकित सम्राट, पंकज त्रिपाठी, वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा और मनजोत सिंह हैं। मूवी के डायरेक्टर वही हैं मृगदीप सिंह लांबा। ओवरऑल कास्ट के हिसाब से बात की जाए तो ये मूवी अच्छी कॉमेडी क्रिएट कर सकती है। ये मूवी शुरू होती है हिमालयन हिल टाउन की एक बोर्डिंग स्कूल से, जहां 16 साल की मीरा की आने वाली उम्र उसकी माँ द्वारा छीन ली जाती है, जिसके चलते वो कभी अपने एडल्टहुड को जी नहीं पाती। ऋचा चड्ढा यानी मिसेस फजल इसमें सररियलिज्म एंड सटायर जताएंगी। नया वैकी कॉन्सेप्ट है, अच्छा होगा वी आर प्रीटी श्योर। रिलीज नोट करें 30 दिसंबर 2023 को है। और अब सबसे आखिर में यानी पांचवी फिल्म सिंघम 3। सिंघम और सिंघम रिटर्न पर्दे पे काफी धमाकेदार रही। डायरेक्टर रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी इस मूवी में भी अपने एक्शन और फाइटिंग सीन से इसमें चार चांद लगा देगी। साथ ही इसमें फनी मोमेंट्स भी होंगे। सिंघम 3 पाकिस्तान से आए एक आतंकवादी पर बेस्ड है, जो इंडिया को तबाह करना चाहता है। आगे की कहानी आप गेस कर लीजिए या फिर करिए मूवी का इंतजार। उम्मीद है इससे रोहित शेट्टी का सर्कस का जिंक्स टूटेगा, हिट का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। रिलीज डेट है 31 दिसंबर 2023। सो वेल फ्रेंड्स, ये था बॉलीवुड की पांच अपकमिंग बिग सीक्वल फिल्म्स इन 2023 और ये था हमारा पार्ट 2। कैसा लगा या कोई फिल्म रह गई हो तो कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दी है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इंकरेज कीजिए। इस वीडियो को सिनेमा सीक्वल लवर दोस्तों के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।